हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से, और आवाज वगैरह मेरी आई थिंक सही आ रही है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं आया हूं कुछ ऐसा सेशन लेकर, एक ऐसी डीआई लेकर जो शायद मुझे लगता है कि एग्जाम्स में आ जाए। उस डीआई का नाम है ट्री चार्ट डीआई बेस्ड ऑन कोविड। ये ट्री चार्ट जो है, देखिए एसबीआई पीओ मींस जो है वो कुछ अलग करने की हमेशा कोशिश करता है। मैंने आपको बबल ग्राफ पढ़ाया, मैंने आपको कैंडल पढ़ाया, मैंने आपको काफी सारे ग्राफ पढ़ा दिए, लेकिन एक ग्राफ में पढ़ा रहा था, मुझे ध्यान आया कि यार ये भी एग्जाम में आ सकता है। फनल पढ़ाया मैंने, फ्लो पढ़ाया, तो फ्लो का ही एक पार्ट है बेसिकली, जिसको मैंने ट्री चार्ट नाम दिया है। और ये जो डीआई है ये बनाई है मैंने कोविड को लेकर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोविड के केसेस पिछले साल भी बढ़े, इस साल फिर से कोविड चर्चाओं में है, तो कोविड को लेकर मैंने आपके लिए फ्रेम करी है डीआई। मुझे लगता है एग्जामिनर इस डीआई को दे सकता है, इसके जैसा कुछ कंटेंट वो दे सकता है। तो चलिए वक्त जाया नहीं करते, जो लोग अनअकैडमी पर, जिन्होंने मुझे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए। मेरी सारी क्लासेस आपको अनअकैडमी पर ही मिलेंगी। कैसे फॉलो करना होता है वो मैं बता दूंगा, लेकिन जो बच्चे बिगनर हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, बिगनर टू टॉपर बैच शुरू हो चुका है, 20 तारीख को शुरू हुआ था। शाम 7 बजे इसकी क्लास होती है, मंडे टू सैटरडे 10 दिन हो गए हैं। 4 महीने का बैच है, जो क्लास आपकी छूट गई रिकॉर्डेड मिल जाएगी। कैसे मिलेगी क्लासेस? अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करो, मुझे फॉलो करो, अपना प्लान चूज करो 12 महीने का, यूज करो ये वाला कोड, मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए ट्री चार्ट की बात कर लेते हैं। ट्री चार्ट क्या होता है? ऑल सेट इट्स क्रैक इट। ये देखिए, तो ये बेसिकली एक चार्ट है जो मैंने आपके लिए यहां पर रखा हुआ है। और इस चार्ट की अगर मैं आपको खासियत बताऊं तो ये चार्ट आपको बहुत कुछ आज समझाने वाला है। क्या क्या समझाने वाला है, चलिए समझाते हैं। देखिए, जब भी हम किसी ऐसे चार्ट की बात करते हैं तो एक तरीके का फ्लो चार्ट है। एचडी की फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूं, एक मिनट रुकिए, मैं इसको एचडी की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं आपके लिए, है ना, इफ पॉसिबल, ताकि आपको ये एचडी में दिख जाए। ठीक है, तो मैं एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, आई होप कि अभी आपको एचडी में दिखाई देगा। देखिए, शायद आपको एचडी में दिख रहा होगा। हाँ जी, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको समझा देता हूं कि बेसिकली एक ट्री चार्ट है जिसमें क्या है कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली दे रखी है पी, जिन लोगों को कोविड सिम्टम हुआ, कोविड सिम्टम होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, टेस्टेड पॉजिटिव पाए जाते हैं या फिर नेगेटिव पाए जाते हैं। जो पॉजिटिव पाए गए वो होम आइसोलेशन करते हैं या फिर हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट करते हैं। तो कुछ वैल्यू बेसिकली इसमें मिसिंग है, लाइक 12.5% ऑफ पी आर। जो नेगेटिव पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, प्लानिंग फॉर वैक्सीनेशन या फिर नॉट प्लानिंग। जो वैक्सीनेशन की प्लानिंग करते हैं वो क्या करते हैं, टी लोग हैं जो वैक्सीनेटेड होते हैं, उसके बाद सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3 में वो क्या करते हैं, वैक्सीनेटेड होते हैं, मतलब दवाई या इंजेक्शन लगवाते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं। तो ये एक मैंने कोविड को लेकर ड्राफ्ट किया है पूरा, और इधर साइड में कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो आपको पढ़ के, इस पूरे जितने भी ये जो अननोन वेरिएबल हैं पी आर एस टी, ये सब आपको फाइंड करने हैं। और उसके बाद हमारे पास पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ दोज डोंट हैव कोविड सिम्टम। तो कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होती है, चलिए मैं आपके साथ में अप्रोच शेयर करता हूं, है ना। आइए, तो आपने पूरा का पूरा ग्राफ देखा, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। देखिए इसको कैसे करेंगे हम सॉल्व, समझिएगा मेरे साथ, है ना। हमने क्या देखा कि टोटल पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली की जो जनसंख्या है वो पी है, ठीक है। पीपल हैविंग कोविड सिम्टम, जिन्हें कोविड हो रहा है, लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग दिल्ली में, तो सबको तो कोविड नहीं हो सकता, तो 100 में से मान लीजिए 50 लोगों को कोविड हो गया। उसके बाद कुछ लोग टेस्टेड पॉजिटिव पाए गए, मतलब उनको कि भाई पॉजिटिव है, वो होम आइसोलेशन पे गए, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट चले गए, इससे 2 निकल के आ गए। जो नेगेटिव हुए वो वैक्सीनेशन की प्लानिंग करेंगे या नहीं करेंगे, जो प्लानिंग करेंगे वो वैक्सीनेटेड पीपल 3 जगह प्लानिंग करेंगे, सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में जानकारी, इधर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उसको समझते हैं और सॉल्व करेंगे। देखिए,
फर्दर फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन. अब देखिएगा यहां पे पहले पढ़ लेते हैं कि S इज 900% मोर देन R. पहला स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये विजिबल होगा कि S इज 900% मोर देन R. तो मैंने कहा S और R का रेशियो बना लो, 900% ज्यादा है तो यानी R अगर 100 है तो 900% ज्यादा है यानी 1000. तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि इसके बीच में रेशियो चल रहा है 10:1. ठीक है. नंबर ऑफ पीपल नॉट प्लानिंग फॉर वैक्सीनेशन इज 8000. पहले मैक्सिमम लोग यही काम करते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं और बनाना शुरू. आप क्या करिए, पूरा पढ़ लीजिए ताकि दिमाग में एक छवि सी बन जाए कि क्या करना है. तो देखिए, जो लोग वैक्सीनेशन की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं वो 8000 है. तो हमने कहा नॉट प्लानिंग दिस सेक्शन इज 8000. ये प्लानिंग लास्ट वाला सेक्शन पूरा पढ़ लेता हूं कि जो नंबर रिटन बिलो सेंटर 1, 2, 3 इंडिकेट द नंबर ऑफ डॉक्टर्स. 1, 2, 3 में बेसिकली क्या है, डॉक्टर्स हैं. ईच डॉक्टर ऑफ सेंटर 1, 2, 3 वैक्सीनेटेड 20, 10, 15. ये 180, 120, 200 ये डॉक्टर्स हैं बेसिकली. कि सेंटर 1 में 180 डॉक्टर्स हैं, सेंटर 2 में 200 डॉक्टर्स हैं, सेंटर 3 में 150 डॉक्टर हैं. और हर डॉक्टर के पास, सेंटर 1 वाले के पास 20, 10 और 15 लोगों को ये दवाई लगा रहा है. यानी कि 180 कितने लोगों को, 20 लोगों को. तो 3600 लोगों को वैक्सीनेशन यहां लगी. कैसे 3600 आया, 180 × 20, तो 18 × 36 और 20. ठीक है. सेंटर 2 में 200 डॉक्टर है तो मल्टीप्लाई 10 से करूंगा तो 2000 लोगों को वैक्सीन लगी. सेंटर 3 में 15, 15, 15, 225 यानी कि 2250 लोगों को वैक्सीन लगी. दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट. ये वाला समझ में आ गया ना कि सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3 ये क्या है, इसमें जो ये नंबर्स गिवन है 180, 200, 150 बेसिकली दे आर डॉक्टर्स. ये डॉक्टर्स हैं. एक डॉक्टर सेंटर 1 का 20 लोगों को वैक्सीन दे रहा है तो 3600 लोगों को वैक्सीन लग गई. 10 लोगों को दे रहा है 2000 लोगों को लग गई. 15 लोगों को दे रहा है तो कितनी हो गई, 2250. नंबर ऑफ पीपल मेल एंड फीमेल वैक्सीनेटेड इन सेंटर 2 इज 3L and L. अब देखो सेंटर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मेल और फीमेल बेसिकली कितने, 3L और L. तो 3L और L, 3L और L मतलब 4L. तो आप क्या कहो कि 4L की वैल्यू 2000, L की वैल्यू 500. तो इसका मतलब यहां पर मेल कितने आ गए, 1500, फीमेल कितनी आ गई, 500. हाउ इज दैट, कि भाई इतने आदमियों ने वैक्सीन लगाई उतनी औरतों ने वैक्सीन लगाई. नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल सेंटर 3 25M और 2L. 25M 2L, 2L का मतलब L की वैल्यू 500 का डबल 1000. सही है. तो आप क्या बोल सकते हो, 25M 1000 है ना, 2L किसके बराबर है, 2250. यहां फेंक दो 25M 2250, M की वैल्यू 1250, सॉरी 25 × 125, M आ गया 50. तो M 50 आ गया तो दिस सेक्शन विल बी 1250. सही है. सेंटर 3 के भी मेल फीमेल. नाउ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वैक्सीनेटेड इन सेंटर 1 इज 2R एंड दिस सेक्शन. अब ये देखो ये बहुत प्यारा नंबर है. सेंटर 1 में जो वैक्सीनेशन हुई, पहले इसकी वैल्यू निकालो, 4L. L कितना है, 500. M कितना आया, 50. 500 − 50 − 200. तो 500 में से 50 गया, 450 का 4 गुना 1800 − 200. तो दिस सेक्शन विल बिकम 1600. हाउ इज दैट. देखिए L की वैल्यू 500 थी, M की वैल्यू 50 थी. 450 का 4 गुना 1800 में से 200 गया 1600. तो इसका मतलब ये हो गया कि मेल और फीमेल, तो मेल कितने इसमें 2R, लेकिन जो फीमेल है वो ये थी, इसकी वैल्यू आ गई 1600. तो 2R बराबर हो जाएगा 2000. तो R की वैल्यू कितनी आ गई, 1000. आया समझ कि भाई सेंटर 1, 2, 3 के आपने मेल फीमेल भी निकाल लिए कि ये जो सेक्शन आया बेसिकली इस सेक्शन की वैल्यू
1600 थी, ये आपकी औरत है, तो 1600 अगर औरतें हैं तो आदमी हो गए 2000, तो 2000 1600, तो 2R बेसिकली आदमी है, 2R, तो R की वैल्यू 1000 है। नाउ अब क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ P किसके बराबर है, देखिए जो वैल्यू ऑफ P है वो किसके बराबर है, 9R प्लस 14L, देख रहे हो एग्जाम में आ सकता है, प्लस 4M परसेंट ऑफ 12000, 4M परसेंट ऑफ 12000, सी एवरीवन, ठीक है, ये आपको P गिवन है। तो नाउ यू हैव R, यू हैव L, यू हैव M, आपके पास सब कुछ है, आप P निकाल सकते हो। P कैसे निकालोगे, 9 R कितना है 1000, 14L कितना है 500, प्लस 4M, M परसेंट, M कितना है 50 परसेंट, ये हो गया इंटू 12000। नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P। रिकॉर्ड इसलिए करके दे रहा हूं वीडियोस, लाइव क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं आजकल, लाइव में अब मैं इसको पढ़ा रहा होता तो बहुत बच्चे रिपीट 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 लिख रहे होते हैं। रिकॉर्डेड में ये है कि टाइम आपका कम होगा क्योंकि मेंस एग्जाम है, मैं चाहता हूं कि आप कम समय में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, है ना, कि आपको मैंने 20-25 मिनट का ये वीडियो दिया, अब आपको रिकॉर्ड देखना है, जस्ट रिवर्स कर लो वीडियो को, पीछे जाओ वापस समझ लो, मुझे आप स्लो भी कर सकते हो, स्पीड को स्लो भी कर सकते हो, है ना। तो मैंने आपसे क्या बोला, ये निकाला सबसे पहले, L निकल गया था, L निकालने के बाद M निकला, M निकालने के बाद L और M को यहां रखा, फिर R निकल गया, L M R जैसी निकला P आ जाएगा, तो P हो गया 9000, 14 पंजे 70, 7000 माइनस 50 से 2, 2 दुनी 4, है ना, 12 दुनी 24000, तो 9 और 7 16 और 24, तो P की वैल्यू आ गई 40,000, हाउस दैट, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ P, डन। और P आपके पास क्या था, P इज द पॉपुलेशन, तो भाई साहब दिल्ली की पॉपुलेशन है 40, हाउस दैट, एक बार कमेंट करो फास्ट, यहां तक इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब लिखा हुआ था कि S इज 10 गुना देन R, तो S कहां है, ये रहा S 10 गुना था ना R का, देखो S 10 गुना था R का, तो R कितना है 1000, तो बेसिकली ये हो गया 10000, तो 10000 लोग जो है वो वैक्सीनेशन का प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा दिया ये, मेंस में मैं एग्जामिनर होता तो इसको जरूर देता, क्योंकि ना तो टफ है और ना ही ये इजी है, टफ भी नहीं कह सकते कि आप बहुत टफ है, लेकिन इजी भी नहीं है कि आप कहोगे इजी है, जो समझेगा थोड़ा सा मेहनत करेगा वो इसको अटेम्प्ट कर लेगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। तो S निकल गया, R कितना आ गया था 1000, ठीक है, और 12.5% ऑफ P, 12.5% ऑफ P 1/8, 8 5 ये आ गया 5000, 5000 6000, तो कितने लोग टेस्टेड पॉजिटिव पाए गए, 6000 लोग, कि भाई 5000 लोग घर में आइसोलेशन के साथ गए, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट 1000 आया, R की वैल्यू 12.5% ऑफ P 1/8 5 6000, 10000 8000, 18000 लोगे जो नेगेटिव पाए गए, हाउस दैट, पूरा इंफॉर्मेशन पूरा ग्राफ क्लियर हो गया सबको। मैक्सिमम कितना टाइम लग रहा है, 4 से 5 मिनट लगेगा, पूरा ग्राफ आपका सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत देता है कि जहां पर आपको बस क्या करना पड़े, चीजों को कनेक्ट करना पड़े, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा, दूसरा आप कितना कॉन्फिडेंट हो ग्राफ को लेकर, क्योंकि बार लाइन पाई वी आर हैबिचुअल ऑफ इट, एग्जामिनर भी बोर हो गया लाइन बार पाई को दे दे के, नाउ ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, तो दिस वन इज डिफरेंट, जो कि ना तो बार है ना लाइन है ना पाई है, केसलेट की फॉर्म भी है इसमें और ग्राफ इज ऑल्सो देयर, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्राफ एंड केसलेट इज डीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टाइप ऑफ डीआई, है ना, वी हैव सीन फनल डीआई, एसबीआई ने सबसे पहले शुरुआत करी, कोई जानता भी नहीं था फनल डीआई, इस बार ये आ सकता है। तो नाउ एवरीथिंग इज क्लियर कि 40,000 लोग
18,000 लोग नेगेटिव, 6,000 लोग पॉजिटिव। अभी भी कुछ मन में लोगों के चल रहा होगा कि कुछ रह तो नहीं गया। फिर देख लो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, एक बार ये देख लो कि कुछ रह गया हो तो मुझे बताओ। पहले आप सबसे पहले आपने एक मिस्टेक जो करी वो आपने क्या करी, देखो मैं बताता हूं। आपको ये 10,000 जब मिला, ध्यान दीजिएगा, आपने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि वैक्सीनेटेड लोग कितने हुए। क्या 10 के 10,000 ही वैक्सीनेटेड हुए? देखो यहां पर क्या था कि पीपल प्लानिंग फॉर वैक्सीनेशन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जो वैक्सीनेशन को प्लान कर रहे हैं वो 10,000 हैं। कैसे पता चला? क्योंकि वो एस थे और एस बेसिकली इसका 10 गुना था, और ये मैंने कहा 1,000 है, ठीक है। लेकिन जो वैक्सीनेशन प्लान कर रहे हैं वो 10,000 हैं, वैक्सीनेशन लगवाने वाले कितने लोग हैं वो देख लेते हैं एक बार। तो आपने कहा 3600, वैक्सीनेशन लगवाने वाले लोग कितने हुए? 3600 लोगों ने वैक्सीन लगाई, 2,000 लोगों ने वैक्सीन लगाई और 2,250 लोगों ने वैक्सीन लगाई। 50, 6 और 2, 8, 3, 2, 5, 2, 7, तो 7,850 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई है सर। तो पीपल वैक्सीनेटेड बेसिकली जो टी है 7,850, इतने लोगों ने वैक्सीन लगवाई है सर। 10,000 लोग तो प्लान कर रहे थे यार कि हम वैक्सीन लगाने जाएंगे, बट 7,850 द पीपल जिन्होंने कहा कि हम वैक्सीन लगवाएंगे, डन। अब नाउ वी हैव ऑल द वेरिएबल्स, नाउ कम टू द क्वेश्चन। नंबर ऑफ पीपल दोज डोंट हैव कोविड सिम्टम्स, तो हु विल सॉल्व इट? जल्दी से आंसर कौन देगा? कह रहा है कि जिन लोगों को कोविड सिम्टम्स नहीं है, जवाब दीजिए, बताइए भाई, डोंट हैव कोविड सिम्टम। नंबर ऑफ पीपल, तो भाई साहब पॉपुलेशन 40,000 है, ठीक है, 40,000 में से पीपल हैविंग कोविड सिम्टम्स ये रहे। कोविड सिम्टम जिनको हुआ 6,000 तो नेगेटिव थे, सॉरी 6,000 पॉजिटिव थे और 18,000 नेगेटिव थे, लेकिन इन्हें कोविड के सिम्टम्स थे। तो इसका मतलब 18 और 6, 24,000 लोगों को कोविड के सिम्टम्स थे। 24,000 पीपल हैविंग कोविड सिम्टम, 40 में से 24 को कोविड सिम्टम्स हैं, तो कितने लोगों को नहीं है? तो 40,000 माइनस 24,000, द आंसर विल बी 16,000, फर्स्ट आंसर। अच्छा लगा डीआई? लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ऐसे छोटे छोटे सेशन में एग्जाम से पहले बहुत सारे डालने वाला हूं। और हां जी एक बात और सुनिएगा, कल 31 तारीख है, मैं 3 घंटे की आपके लिए मेंस की क्लास ले रहा हूं। तो 31 साल की आखिरी दिन मेरे साथ 3 घंटे मेंस पढ़िएगा, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल, नंबर ऑफ पीपल दोस प्लानिंग फॉर वैक्सीनेशन बट डोंट गेट वैक्सीनेटेड। देखिए प्लानिंग फॉर वैक्सीनेशन कितने आए थे? 10,000 हमने निकाले थे, और वैक्सीनेशन कितने लोगों को हुई थी? शायद 7,850, तो 7,850 ने वैक्सीनेशन लगवाई है। तो प्लान तो भाई इन्होंने किया 10,000 लोगों ने, बट 7,850 लोगों ने वैक्सीन लगाई, तो 10,000 7,850, 50 और हो गए तो मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा, आप माइनस कर लो, 10 में से 50, 9 में से 8 गया एक, और क्या है ये, 9 में 7 गया, तो 2,150 आ गया, चेक कर लेना भाई, सही है, क्योंकि 50-50 हो गए 79 और 2,150 विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी है, डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल वैक्सीनेटेड, तो सारे मेल जोड़ देना, सारे फीमेल, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पॉपुलेशन दिल्ली की 40,000, खत्म। एक आता है पॉजिटिव रेट ऑफ दिल्ली, पॉजिटिव रेट का मतलब लिखा हुआ भी है उसने, टोटल नंबर ऑफ पीपल टेस्टेड पॉजिटिवली, तो पॉजिटिवली टेस्टेड कितने हुए ये रहे जो आए थे, टोटल नंबर ऑफ पीपल टेस्टेड, तो टेस्टेड कितने लोग हुए, जिनको सिम्टम्स थे वही तो टेस्ट हुए, तभी तो पता चला कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्यों, डन, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये डीआई काफी अच्छी लगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा,
सर ये ट्री चार्ट आपको कैसा लगा? मेरे को बहुत अच्छा लगा कि यार ये डीआई आ सकती है, तो आई जस्ट थॉट कि मैं लेके जाऊं बच्चों के साथ और उनके साथ मैं इसको शेयर करूं, तो ये आपको मिल गया। बोटन स्ट्रीम पे मैं अगला वीडियो बना रहा हूं, बोटन स्ट्रीम बेस्ड डीआई, अगर आपको लगता है सर, क्योंकि देखो मेरा पर्सनली यही मकसद है, मेंस की क्लासेस, मेरा कहना है मेंस पढ़ो आगे बढ़ो, प्री की क्लासेस सभी लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, तो प्री की क्लासेस तो मैं अभी फिलहाल नहीं पढ़ा रहा हूं, बस मेंस पे ही फोकस कर रहा हूं। SBI वालों को पहले खत्म कर दूं, फिर मैं IBPS क्लर्क मेंस वालों के लिए सोचूंगा नए साल में। देखिए आप देखेंगे मेरा मेंस का ये पूरा का पूरा मेरा सेशन चल रहा है, ये देखिए पूरे 16 पार्ट अब तक मेंस के आ चुके हैं, कैप्सूल 1, 2, 3। तो कोई भी बच्चा मेंस पढ़ना चाहता है वो सिस्टमैटिक वे से मेरी इन क्लासेस को फॉलो करेगा, वो देखिए 11, 12, 13, 14, 15, 16 सब है इसमें, मेमोरी बेस्ड पेपर भी है 16। तो इस तरीके से मेरा टारगेट है मैं मेंस की कम से कम 25 से 30 क्लासेस तो मैं आपको पीओ मेंस की देने वाला हूं। किसकी? पीओ मेंस की, क्योंकि पीओ मेंस क्लर्क मेंस अलग अलग है, पहले तो ये आपको जान लेना है। आधे लोग बेवकूफ बना रहे हैं, पीओ मेंस क्लर्क मेंस एक ही साथ पढ़ा रहे हैं, क्या करें भाई आपका भी, क्योंकि कुछ मैं कहूंगा नहीं इस पे। तो पीओ मेंस अलग है दोस्त, थोड़ा लेवल टफ होता है, क्लर्क मेंस थोड़ा इजी होता है। तो 25 से 30 घंटे तो मैं आपको पीओ मेंस के देने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, और 25 से 30 घंटे क्लर्क मेंस वालों को दूंगा, ठीक है सर? ये मेरा आपसे वादा नहीं है, मैंने क्या कहा मैं कमिटमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि वादा अक्सर टूट जाता है, जितनी बार भी मैंने वादा किया वो पूरा नहीं हो पाता, टूट जाता है, इसलिए अब की बार मैं वादा करने ही नहीं आया हूं, बस बताऊंगा आप नोटिस करते चलना। क्लर्क मेंस वालों के लिए 4 पार्ट मैंने डाल दिए हैं, 4 पार्ट आर ऑलरेडी देयर, यू कैन सी, ये देखिए क्लर्क मेंस वाले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 पार्ट्स आर ऑलरेडी देयर, पार्ट 5th विल कम फ्रॉम जनवरी। ये पीओ मेंस वालों को एक बार निपटा के आ जाए, फिर हम क्लर्क मेंस पे ही फोकस करेंगे, ठीक है? बाय बाय, थैंक यू सो मच, और 3 घंटे की मैराथन मैं लिंक डाल दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू, बाय बाय।